आज हम बना रहे हैं फाणा, गौत का फाणा। गौत बोले तो इसको कुलत की दाल बोलते हैं। ये जो कुलत की दाल है हमने रात भिगाई और इसके बाद हमने इसको सील बट्टे में पीसा, थोड़ा दरदरा पीसा, बारीक नहीं। पीसने के बाद हमने इस कढ़ाई में डाला और आप देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा जरा सा आधा चम्मच तेल और उसके बाद थोड़ा लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया हमने सील बट्टे में, उसके बाद हमने इसको चूल्हे पर चढ़ाया और अब इसको अब भून रहे हैं। भूनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और फिर ये हमारा जो गौत का फाणा है ये बन करके तैयार हो जाएगा लोहे की कढ़ाई में। और इस चूल्हे में जो इसका स्मोकी फ्लेवर आएगा वो तो बहुत आनंददायक आएगा। अभी भी अगर मैं सूंघ पा रहा हूँ, आहा क्या खुशबू इसकी आ रही है, देख करके ही आनंद आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो आप देखिए ये फाणा जो है थोड़ा मोटा है, दरदरा हमने इसको सील बट्टे में पीसा है, मिक्सी में नहीं।